तो हमने शुरू किया था सॉलिड स्टेट प्रीवियस क्लास में, टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमारपस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमारपस सॉलिड। उसके बाद हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, देयर आर फोर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फोर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो हमें देखना है कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो देखना है हमें। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जैसे इधर हाँ कोई भी ये, हाँ क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पर, हाँ ये इरेजर, इरेजर दिखता क्या यहाँ पर अब अभी, हाँ तो जैसे ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, थ्री डी स्ट्रक्चर भी आता है ये यहाँ से, ओके कहाँ पर है थ्री डी, हाँ ओके, अरे वाह, हाँ अरे वाह 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 बढ़िया, ठीक है तो जैसे ये एक अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर है जैसे यहाँ पर हमने जो बनाया है, तो अगर कोई भी बड़ा क्यूब बनाना है हमें तो उसका जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है वो क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, एक छोटा सा यूनिट, उसको कहते हैं हम लोग यूनिट सेल, क्या कहेंगे हम उसको, अच्छा पेन घ्या लागे लाता, हाँ पहले इसको मिटा देते हैं, अच्छा ये मिटेगा नहीं, ओके तो इसका जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग जो यूनिट है जिसको कहते हैं हम लोग यूनिट सेल, ये जो है हमारा क्या है, यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। तो जब हम कोई भी क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं तो वो क्रिस्टल के अंदर में जो भी क्रिस्टल फॉर्म होता है, क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए एक पीरियोडिक अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस अटैच विद सम बेसिक यूनिट टू फॉर्म द क्रिस्टल। तो जब आप कोई भी क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लैटिस अरेंजमेंट, ठीक है ना, इस तरह के अटैच विद सम बेसिक टू फॉर्म द क्रिस्टल, ठीक है ना, तो हमारा जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल फॉर्म होता है। यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप जोड़कर उसको बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, एक दूसरे को अटैच कर कर, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट
repeating structure unit of the any solid, that is called as the unit cell. तो अब यहाँ पर अगर हम ये एक थ्री डायमेंशनल अगर क्यूब देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर. यहाँ पर अगर हम लोग इमेजिनरी एक्सिस अगर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग इमेजिनरी अगर एक्सिस ड्रा करते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये हमारा जेड एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं तीनों एक्सिस के अंदर में, इसको मान लीजिए मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बीटा से और ये गामा से. सो अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल बिटवीन दे, उसके अंदर में जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एंगल हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा से, ठीक है ना, वो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा द एंगल बिटवीन दे. और यहाँ पर ये मान लीजिए साइड में ए बी और सी, ए बी सी क्या है, यहाँ पर साइड है, ए बी एंड सी आर साइड, ए बी सी क्या है, यहाँ पर साइड है. ओके, तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल बिटवीन देम, एंड ए बी एंड सी उसके अंदर में क्या है, साइड है. तो एक ब्रेवियस लैटिस नाम के मैथमेटिशियंस थे, ब्रेवियस लैटिस, जिसी के नाम से हम लोग लैटिस पॉइंट भी कहते हैं. ब्रेवियस लैटिस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन देम, अगर आप इसके अंदर के एंगल को बदलते हो, जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा है, तो वो एंगल को आप चेंज कर रहे हो, मान लीजिए कभी कोई एंगल 120 है, कोई एंगल 90 है, कोई एंगल 80 है, एंगल को आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. बाई चेंजिंग द एंगल, और यहाँ पर ये जो साइड है ए बी सी, उसको आप जो लेंथ है साइड ए बी सी, उसको आप चेंज कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हो. बाई चेंजिंग द एंगल एंड साइड, अगर आप चेंज करते हैं एंगल एंड साइड को, अगर आप चेंज करते हो, तो ब्रेवियस लैटिस का कहना है सेवन मेन टाइप एंड सेवन सब टाइप, टोटल 14 टाइप ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ लैटिस स्ट्रक्चर आर फॉर्म. ओके, तो ब्रेवियस लैटिस का कहना है कि अगर आप एंगल को थोड़ा सा वेरी करते हो, चेंज करते हो, कम ज़्यादा करते हो, वहाँ पर जो साइड है ए बी सी, उसके अगर आप लेंथ को चेंज करते हो, लेंथ को कम ज़्यादा करते हो, तो टोटल 7 मेन टाइप एंड द 7 सब टाइप, टोटल 14 टाइप ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट आर फॉर्म, 14 टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट ऑफ फॉर्म. ओके, तो उनका कहना है सो दीज आर द 14 ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर, 7 मेन टाइप, क्यूबिक, आर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल, एंड देयर सब टाइप. इस तरह से आप इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो टोटल 14 लैटिस स्ट्रक्चर आर फॉर्म, मतलब
ब्रेवियस लैटिस कहता है कि जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट थे, ज्योमेट्रिकल शेप के जो भी ऑब्जेक्ट थे, वो ऑब्जेक्ट ये 14 में से एक होंगे। जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेंगे, ये 14 में से एक रहेंगे। ओके, सो दीज आर द 14 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आर फॉर्म। और ये कैसे बनते हैं, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन देम अल्फा बीटा एंड गामा एंड देयर साइड्स ए बी एंड सी को थोड़ा सा हम वेरी करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं और उनको अरेंज करते हैं, तो सच टाइप ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर आर फॉर्म। तो ये जो सभी स्ट्रक्चर है इनको हम क्या कहते हैं, लैटिस फाइंड या लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम से ही है, ब्रेवियस लैटिस। ओके, ब्रेवियस लैटिस। तो अब इसके अंदर में बेसिकली ये जो यूनिट सेल जो बनते हैं, यूनिट सेल जो बनते हैं, जैसे क्यूब देखा हमने, ठीक है ना, तो यूनिट सेल के हमें 4 टाइप देकर है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। एक है प्रिमिटिव आर सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। सेकंड है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड है फेस सेंटर यूनिट सेल एंड फोर्थ है बेस सेंटर यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल है, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्यूब देखा था एक, ठीक है ना, यहाँ पर हमने ये जो क्यूब देखा था, ठीक है, तो ये जो क्यूब है, अब यहाँ पर ये हमारा सिंपल क्यूब है। क्यूब के अंदर में कितने कॉर्नर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यूब को कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डस्टर, ये क्यूब है, ठीक है, कितने कॉर्नर है इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर कितने हैं, 8। फेस कितने हैं, फेस कितने होते हैं, फेस कितने है इसको, 6 फेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अगर अगर ऑब्जेक्ट क्यूबिक है तो क्यूब को जो कॉर्नर होते हैं वो 8 कॉर्नर होते हैं एंड फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा ये सिंपल क्यूब है, द मोलिक्यूल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। जो मोलिक्यूल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, सिंपल क्यूब। अनदर होता है हमारा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है, ये सिंपल क्यूब है, उसके अंदर में, बॉडी के अंदर में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। उसके बॉडी में क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम उसको, बॉडी सेंटर कहेंगे, ठीक है ना। फेस सेंटर, ठीक है ना, फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होता है, ये हमारा सिंपल क्यूब है, कितने फेस है, 6 फेस। तो हर एक फेस पर एक एक मॉलिक्यूल रहेगा, हर एक फेस पर एक एक मॉलिक्यूल। मतलब जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक सामने एक पीछे, एक सामने एक पीछे, मतलब जो हमारे 6 फेसेस है तो हर एक फेस पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पर, फेस सेंटर। समझ में आ रहा है, सिंपल क्यूब में ओनली
कॉर्नर पर है। बॉडी सेंटर में उसके बॉडी के अंदर में एक मॉलिक्यूल है। फेस सेंटर में सभी फेसेस पर एक एक मॉलिक्यूल है। और उसके बाद होता है हमारा फोर्थ वन बेस सेंटर। बेस सेंटर में क्या होता है, बेस सेंटर में क्या होता है, कोई भी दो एडजेसन के अंदर में एक मॉलिक्यूल, एनी टू एडजेसन। जैसे मान लीजिए ये और ये है, ये एडजेसन है तो इसके बीच में एक, ये और ये एडजेसन है उसके बीच में एक, एनी टू एडजेसन, दो एक दूसरे को जो जोड़ रहे उनके बीच में क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस सेंटर। ओके, सो द यूनिट सेल पार्टिकल एनी टू ऑफ इट्स अपोजिट स्पेस एडिशनल टू द कॉर्नर ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब दोनों क्यों एक अटैच रहेगा। तो इसीलिए जब भी हम रेगुलर पढ़ते हैं तो तीन ही आते हैं, वन टू एंड थ्री, जनरली ये नहीं आता है बेस सेंटर का, क्योंकि वो कहीं तो भी फेस के तरह ही लगता है। इसलिए तो ये इस तरह से हमारे फोर मॉलिक्यूल का डिवाइडेशन है, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, बेस सेंटर। ओके, तो ये हुए हमारे फोर टाइप। अब इसके अंदर में ये जो हमारा क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में अब हमें देखना है उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसका कंट्रीब्यूशन कैसे रहता है, कितना वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब जो हमारा क्यूब है उसको पार्टिकल लेवल पर देखना है हमें। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक क्यूब बना लिया है, तो ये अगर एक क्यूब है हमारा, ठीक है, तो ये क्यूब है, क्यूब के अंदर में एट कॉर्नर है, कॉर्नर कितने हमारे एट। ओके, तो ये समझ लीजिए पहले फोर, वन टू थ्री एंड फोर, और उसके पीछे में फोर, सामने में फोर और उसके बैक साइड में फोर। ओके, तो ये फोर को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक दो तीन और चार, ठीक है, फ्रंट के फोर और उसके बैक के फोर। अब इस पार्ट को अगर मैं बाहर निकालता हूँ, हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा सेंटर पार्ट। मतलब मान लीजिए एक क्यूब है, एट मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ अटैच कर आपने बनाया है, उसका जो सेंटर पार्ट को जब मैं बाहर निकालूंगा, बीच का पार्ट, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन ये आपको सामने का दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भी सेम वैसा ही है, ये तो आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है, ये मैंने फ्रंट व्यू लिया, उसके पीछे भी तो सेम है ना, सामने में चार मॉलिक्यूल है उसके पीछे में चार मॉलिक्यूल है, तो ये हमने उसका फ्रंट व्यू लिया, उसके बैक में भी और एक सेम सिस्टम है। तो अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये एक पार्ट सामने में जो दिख रहा है उसके पीछे भी एक है, तो ये एक पार्ट कितने को कंट्रीब्यूट करेगा, कितने को कंट्रीब्यूट करेगा, एट को कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब एक जो मैं पोर्शन जो ले रहा हूं, ये दिस पोर्शन, एक जो है वो कितने में से है, एट में से, एट में से वो कितना है, वन, और ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, एट है, एक पार्ट वन में से एट, और ऐसे कितने हैं, एट, वन टू थ्री फोर सेवन एट, एक पार्ट एट में से एक और ऐसे एट। तो अगर आप सिंपल क्यूब लेते हो तो सिंपल क्यूब के अंदर में जो हमारा मॉलिक्यूल है कंप्लीट, वो कितना मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करता है, वन मॉलिक्यूल, वन पार्टिकल कंट्रीब्यूट करेगा।
किसके अंदर में? सिंपल क्यूब के अंदर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब जो है एक पार्टिकल को कंट्रीब्यूट करता है। वही अगर हम बॉडी सेंटर लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं, तो बॉडी सेंटर में क्या होता है? उसके सेंटर में एक मॉलिक्यूल है। उसके सेंटर में क्या है हमारा? एक मॉलिक्यूल है। मतलब ये एज इट इज और उसके सेंटर में एक मॉलिक्यूल, कंप्लीट एक मॉलिक्यूल, उसके सेंटर में कंप्लीट एक मॉलिक्यूल। अब ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? बॉडी सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? वन ऑफ एट वन एज इट इज, ये कंप्लीट वन मॉलिक्यूल। मतलब क्या होगा? तो अगर आप बॉडी सेंटर लेते हो तो कितने मॉलिक्यूल को कंट्रीब्यूट करेगा? वो टू, क्योंकि जो सेंटर वाला है वो कट नहीं हो रहा है, वो उसके बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है। तो आप अगर वो सेंटर का पार्ट भी ले रहे हो तो वो बीच वाला एज इट इज उसके अंदर में आ रहा है, सेंटर पार्टिकल कट नहीं हो रहा है क्योंकि वो उसके सेंटर में प्रेजेंट है क्यूब के। जब आप उसका पोर्शन ले रहे हो तो भी वो सेंटर में एज इट इज प्रेजेंट है, कंप्लीट एक मॉलिक्यूल। तो अगर आप बॉडी सेंटर लेते हो तो कितने मॉलिक्यूल को कंट्रीब्यूट करेगा? टू एटॉमिक पार्टिकल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हुआ हमारा सिंपल क्यूब और बॉडी सेंटर। अब हम देखते हैं फेस सेंटर। ठीक है, ये थोड़ा सा ये इमेजिनरी विजुलाइजेशन है, उसको थोड़ा सा अगर देखने से, यहाँ पर YouTube वगैरह चलता है क्या? ठीक है, तो फिर कल मैं आपको दिखाऊंगा इसका पार्टिकल। हाँ ठीक है ना, तो पहले मैं समझा देता हूँ फिर देखते हैं। तो अनादर जो होता है नेक्स्ट पार्ट, वो होता है हमारा फेस सेंटर। क्या होता है हमारा? फेस सेंटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैसे देखने से अच्छे से समझ में आता है वो मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा विजुलाइजेशन पार्ट है। अब हम फेस सेंटर देख रहे हैं। फेस सेंटर में ये एज इट इज, ठीक है ना, ये तो जैसे के वैसे रहेंगे आपके एट कॉर्नर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वो तो एज इट इज है। अब हर एक फेस पर एक मॉलिक्यूल होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखे हैं, हर एक फेस पर एक रहेगा, वन टू थ्री फोर, एक सामने एक पीछे। अब जब आप इसको कट कर इस पार्ट को रिमूव करोगे, इस पार्ट को कट कर रिमूव करोगे, तो कॉर्नर तो एज इट इज ही रहेंगे, कॉर्नर पार्ट तो एज इट इज ही आएगा, वन ऑफ एट, और वो कहता है कि हर एक का फेस हाफ कट कराएगा उसके अंदर में। जैसे आप ये पोर्शन जो निकाले थे, जैसे हम ये पोर्शन निकाले, इस पोर्शन के अंदर में जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल आया, वैसे अब वो पूरे फेस पर सिक्स फेसेस है तो हाफ हाफ कट कर पूरे वहां पर वो हाफ हाफ पोर्शन आएगा इस पार्ट में। मतलब ये जो पोर्शन आप निकाल रहे हो तो उसका हाफ पार्ट, फेस का हाफ आएगा, और ऐसे कितने वहां पर? सिक्स। फेस कितने हमारे? सिक्स है, तो उसका हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा वो उसमें। तो ये कितने हो गए हमारे? थ्री। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? फोर मॉलिक्यूल, फोर एटम। तो अगर आप सिंपल क्यूब लेते हैं, बॉडी सेंटर लेते हैं एंड फेस सेंटर लेते हैं, तो सिंपल क्यूब वन एटम को कंट्रीब्यूट करेगा, बॉडी सेंटर टू को कंट्रीब्यूट करेगा,
और फेस सेंटर 4 को कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो सिंपल क्यूब, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये फेस सेंटर में, ये देखिए यहाँ पर ये जो फेस का है, तो ये तो कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये देखिए फेस हाफ हाफ आ गया, ये देखो फेस 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, तो फेस देखो हाफ पार्ट आ गया है, ठीक है ना, 6 आ गए, तो 1/2 ऑफ 6 इज इक्वल टू द 3। तो अगर आप सिंपल क्यूब यूज़ करते हो तो 1 कंट्रीब्यूट करेगा, बॉडी सेंटर यूज़ करते हो तो 2 कंट्रीब्यूट करेगा, और फेस सेंटर कंट्रीब्यूट करते हो तो 4 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा मॉलिक्यूल कितना कंट्रीब्यूट करेगा।